नमस्कार जहिन साथियों, अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, भारतीय सेना की दिन रात तैयारी कर रहे हैं, आर्मी भर्ती के इंतजार में हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप वो तमाम साथी जो आर्मी भर्ती 2024 के इंतजार में हैं, सेना मुख्यालय से एक बड़ी अपडेट है। आर्मी भर्ती साइकिल 2024 की तैयारियां शुरू कर ली गई है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पिछली बार सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन इस बार नई भर्ती के इंतजार में है, साथ साथ नई उम्र सीमा के शेड्यूल के इंतजार में है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसलिए वो तमाम साथी जो नई भर्ती के इंतजार में है, वीडियो के अंत तक पूरी तरीके से बने रहें, क्योंकि पूरी जानकारी भर्ती की सबसे पहले, सबसे सटीक और विश्वसनीय जानकारी आज तक आपको एडी आर्मी पॉइंट पर मिलती आई है, और आज हम फिर आपके साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं। सेना मुख्यालय के सोर्सेज से जो हमें खबर मिली है कि आर्मी भर्ती साइकिल 2024, रिक्रूटमेंट साइकिल 2024 की तैयारियां शुरू कर ली गई है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव, और इसके चलते ये भर्ती पहले भी हो सकती है, सी पहले भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है, क्योंकि जून 2024 जो है उसके पश्चात नई सरकार जो है वो सामने रहेगी। इसके चलते लोकसभा चुनाव का कभी भी निर्वाचन आयोग अनाउंसमेंट कर सकता है, इसके चलते आपका आर्मी का एग्जाम, आपकी भर्ती प्रक्रियाओं की तारीख में बदलाव हो सकता है, और इसी को लेकर सेना मुख्यालय जो है वो बिल्कुल तैयार है, तैयारियों में लगाया। साथ ही हमें भी अपडेट दी गई है कि आप युवाओं को इसके में अवगत करवा सकते हैं कि इंडियन आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ सकता है। आइए थोड़ा आपको जानकारी में बता देता हूं कि किस तरीके से अगली भर्ती का शेड्यूल जो है वो सामने रहेगा। सबसे पहले ध्यान देना, आर्मी भर्ती 2024 का जो शेड्यूल है ये दो फेज में होगा। कौन कौन से फेज? फर्स्ट के अंदर पिछली बार की तरह सी, और फेज सेकंड के अंदर आपका फिजिकल, मेडिकल, डिस्पैच की सारी प्रक्रियाएं रहने वाली है। लेकिन इस बार ध्यान देना, इस सी में बदलाव डेफिनेटली हो सकता है, ये समय से पहले हो सकता है। आप पूछेंगे कि सर भर्ती का नोटिफिकेशन, तो मेरे दोस्त भर्ती का नोटिफिकेशन जनवरी एंड तक, अभी वर्तमान अपडेट है वो ये बताया जा रहा है कि जनवरी एंड तक आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सी की बात करें तो ये मार्च में भी हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई के अंदर उसकी तारीखें डिक्लेयर हो सकती है, ऐसे में ये तारीखें टकराने की संभावना बनेगी, और ये एग्जाम आपका डेफिनेटली पहले होने की संभावना भी तलाशी जा रही है, संभावना बताई जा रही है। अब आप में से बहुत सारे साथी पूछेंगे कि सर सी का क्या मैटर रहेगा, मैं आपको बताता हूं सी की थोड़ी सी जानकारी। देखिए, जिस कैंडिडेट को सेना में भर्ती होना है उसको सबसे पहले सी को पास करना है। इस बार वैकेंसी हर एक एआरओ में आपने बढ़ी हुई वैकेंसी देखी, जीडी के अंदर पिछली बार 300 वैकेंसी थी, तो इस बार कम से कम 450 वैकेंसी आपने भर्ती में देखी होगी। यहां ध्यान ये देना है कि जो कैंडिडेट सी में, मान लो आपका कोई सा भी एआरओ है, अगर आपने 1000 कैंडिडेट ने सी दिया है, और अगर आप पूछेंगे 1000 में से रैली के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। आपको रैली के अंदर मान लो 100 बच्चे, आपके जीडी की पोस्ट है, फाइनल वैकेंसी जीडी की 100 है, तो तकरीबन 1200 कैंडिडेट को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरने के ऊपर आपका नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा आपके एआरओ पर फाइनली वैकेंसी कितनी है और उसमें कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है। पहले फेज की बात हो गई, मैं आपको पूरी लेटेस्ट अपडेट जो हमें मिली है, जो जानकारी हमें दी गई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देना, सेकंड फेज के अंदर आपको पहले से पता है दो साइकिल होगी। आर्मी की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें दो प्रारूप ट्रेनिंग के होते हैं, दो बैच जाते हैं हर साल में, इसलिए ऐसा नहीं है कि बाकी भर्ती प्रक्रियाओं की तरह डिले हो जाए, ये हो जाए, जल्दी हो सकता है लेकिन डिले नहीं हो सकता। इसके पीछे रीजन यही है कि पहले साइकिल की जो बच्चे सी पास करके आएंगे, देश के आधे एआरओ की जो रैली भर्तियां हैं ये इस साल की तरह ही जून से लेकर सितंबर 2024 के बीच में आपके फिजिकल, मेडिकल सब कुछ ले लिया जाएगा, और 1 अक्टूबर के पश्चात ट्रेनिंग की सारी प्रक्रियाएं हैं, डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नवंबर से विधिवत रूप से आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार सेकेंड फेज के जो बात करें साइकिल टू की, जिस तरीके से दो फेज के अंदर आपका आर्मी भर्ती प्रक्रिया रहेगी, उसी प्रकार आपकी जो रैली भर्ती है वो भी दो फेज में रहेगी। सेकेंड फेज नवंबर से जनवरी तक चलेगा, और जनवरी 25 के पश्चात 1 अप्रैल, जी हां मेरे दोस्त, 1 अप्रैल 2025 की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड फेज यहां तक ज्वाइनिंग जाएगा। पहला फेज 1 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं सीधे तौर पे उन सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा जो आर्मी भर्ती 2024 के इंतजार में हैं,
इंतजार में मत रहना, क्योंकि एक दो बड़ी अपडेट हमें और भी मिली है, हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ही वो अपडेट वेरीफाइड होके हमारे सामने आ जाएगी हम आपको तुरंत बता देंगे, इसलिए इस बार आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। एक विशेष अपडेट उन युवाओं के लिए जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, इसके पीछे हमने एक बड़ा प्लान ये रखा है कि भारतीय सेना में जाने वाले हर एक युवा को हम मोटिवेशन ही नहीं बल्कि वो पूरी जानकारी दें। फॉर्म भरने से लेकर जब तक आपकी ज्वाइनिंग होती है, जब तक आपकी ट्रेनिंग, इस प्रोसेस में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो एडी आर्मी पॉइंट आपके लिए ऐप लॉन्च कर चुका है। इसलिए सबसे पहले आप हमारे साथ सी की तैयारी करें। बिल्कुल आज से हमारी जीरो से क्लास स्टार्ट हो रही है, जीरो से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जिस भी साथी को हमारा कोर्स लेना है, एडी आर्मी पॉइंट का जो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाई कोर्स पर जाकर, बिल्कुल ऑफर चल रहा है, आपको यहां पे छूट भी दे दी गई है, बिल्कुल कम फीस के अंदर देश के सभी भावी जवानों के लिए हमने ये व्यवस्था की है। साथ में आपको यहां क्या मिलेगा देखिए, जो अदर ऐप के ऊपर आपको नहीं मिलता, केवल आपको पेपर की तैयारी करवा के आपसे थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। एडी आर्मी पॉइंट आपको पेपर की तैयारी तो करवाएगा ही करवाएगा, साथ में यहां आपके एक हेल्प डेस्क भी लगेगी। क्या लगेगी? हेल्प डेस्क लगेगी। किसी भी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हुई, फॉर्म भरने में दिक्कत हुई, फॉर्म में कोई गलती हो गई, या किसी भी प्रकार की एनीवन, जब तक उसकी ज्वाइनिंग होती है किसी भी प्रकार की लीगल दिक्कत होती है, तो एडी आर्मी पॉइंट उसमें आपके साथ रहेगा। 24/7 आपको ये व्यवस्था मिलेगी। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेज मिलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट सीरीज है वो भी आपके सामने रहेगी, फ्री वीकली टेस्ट भी आपके सामने रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि जो अभी तक किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन बैंक है वो नहीं दी गई है, एडी आर्मी पॉइंट इस बार आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन बैंक लाने जा रहा है। केवल थोड़े ही क्वेश्चन उसमें रहेंगे और उन क्वेश्चन से सीधी मुलाकात आपकी आर्मी के एग्जाम में होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एडी आर्मी पॉइंट के दिए गए नंबर, जो नंबर आपके सामने है 7850856868, इसके ऊपर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके ऐप को ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऐप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसी भी जगह से तैयारी करें या अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तैयारी में लग जाओ, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। और जो भी युवा किसी अन्य माध्यमों के ऊपर डिपेंड रहता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपकी मेहनत ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। एडी आर्मी पॉइंट पर आज तक आपको जो भी अपडेट मिली है बिल्कुल सही मिली है, सटीक मिली है, और इसी अपडेट के आधार पर आज से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है, कमी नहीं रहनी चाहिए। और हमने जो सिलेक्शन चैलेंज केवल 90 या 100 दिन का अब रहा है, उसके अंदर आप जल्दी से जल्दी हिस्सा बन जाइए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, इंतजार जो मेरे दोस्त आप कर रहे हो बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने हाथ में कलम, रजिस्टर और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर जज्बा, जोश, जुनून होना चाहिए। भारतीय सेना भर्ती 2024 का शेड्यूल बेहद जल्द आपके सामने आ जाएगा। एडी आर्मी पॉइंट इसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बता चुका है, इसलिए सभी यूथ हमसे जुड़िए और ईमानदारी से इस बार मेहनत करके केवल सी नहीं बल्कि फिजिकल, मेडिकल, फाइनल आपका जो डिस्पैच है उस प्रक्रिया तक हमारे साथ जुड़कर आपको ज्वाइनिंग जाना है, ट्रेनिंग जाना है और यूनिट तक जाना है। इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े। आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, दलालों से दूर रहे, सेना में भर्ती होने का एकमात्र जरिया है आपकी मेहनत। आपका बहुत बहुत आभार, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, उम्मीद है इस बार आप जमकर तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।